हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है, तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए कोऑर्डिनेट में इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा -5 और -1। अब देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी। तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ 3 और -5। इसी तरीके से हम सी की वैल्यू ये मान लेते हैं, तो सी जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 और 2। अब देखिए इनको हमें कैसे डिनोट करना है, जो हमारी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो किस कोऑर्डिनेट को डिनोट करती है, एक्स को, और ये वाई को, ये भी एक्स को और ये भी वाई को, ये वाली एक्स को और ये वाली वैल्यू वाई को डिनोट करेगी। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे और इसको वाई, एक्स वाई एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखने के लिए इसको x1 लिखेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डिनोट कर दिए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताता हूँ, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बस वैल्यू पुट करने में आप गलती मत करना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर x1 y2 -y3, इसको याद करने का भी एक शॉर्टकट मेथड बताऊँगा आपको, प्लस x2 y3 -y1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस x3 और ये आ जाएगा y1 -y2, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3, आपको बस ये नंबर याद रखना है 1 2 3। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना, तो एक्स लिखिए और ब्रैकेट में वाई माइनस वाई कर दीजिए, फिर एक्स लिखिए, फिर वाई माइनस वाई कर दीजिए, फिर एक्स लिखना है, फिर ब्रैकेट में वाई माइनस वाई कर देना है। अब देखिए इनको डिनोट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले इस साइड से चलिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब आपको दूसरे वाले में क्या करना है, 2 से चलिए 2 3 1, मतलब घूम के वापस आना है 2 3 1, तो देखिए 2 3 1। अब इसके बाद हमें कहाँ से चलना होगा, अब हमें 3 से चलना है, तो 3 1 2, मतलब घूम के वापस आ जाए आना है आपको 3 1 2, तो 3 1 2। आई होप आपके समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 लिखिए। y2 -y3, y2 की वैल्यू -5 है, -5, और y3 की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2। अब देखिए प्लस, यहाँ पर लिखनी है x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये देखिए x2 की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए, ब्रैकेट y3, y3 कितना हो जाएगा 2। अब ये देखिए माइनस का साइन लगा दीजिए। अब वैल्यू क्या लिखनी है, y1 की वैल्यू लिखनी है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। और इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए प्लस, यहाँ पर x3 की वैल्यू लिखिए, x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, तो x3 की वैल्यू लिख दीजिए 5, ब्रैकेट y1, y1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पर लिखिए -1, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर y2 की वैल्यू लिखनी है, y2 क्या है हमारे पास, -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर -5 लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, 1/2 ब्रैकेट, ये देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, देखिए -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। अब देखिए +3 एज इट इज लिखिए, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सोल्व कर दीजिए, 2 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई 3। अब देखिए प्लस, ये 5 है तो ये 5 एज इट इज लिखिए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सोल्व करनी है, ये -1 तो -1 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, +5, तो +5 में से -1 कर दीजिए, +5 में से -1 कर दीजिए,
तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। तो हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिल गई 4। अब देखिए इसको सोल्व करिए, चलिए इसको साथ मिलकर सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 वैल्यू है, 1/2 लिख दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है, 5 × 7 = 35 यानी कि 35। और −× − क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, प्लस में आएगी, तो यह हो जाएगा +35। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, 3 × 9 ठीक है, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 × 20 यानी कि ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए इनको हमें ऐड करना होगा 1/2, और इनको ऐड करिए, 35 + 20 कितना हो जाएगा, 35 + 20 कितना हो जाएगा, 55। 55 + 9 कितना हो जाएगा, 64। तो ये आ गया 64। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 × 64 ठीक है, 1/2 × 64। तो 2 से 64 को काट दीजिए, 2 × 6 = 2 × 4 यानी कि ये आ गया 32। अब ये 32 के आगे कोई यूनिट नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट लगा देंगे हम, स्क्वायर यूनिट यानी कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, चाहे यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो या फिर मीटर का स्क्वायर हो, जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 32 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपके समझ आया होगा कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो कोऑर्डिनेट्स ये रहे, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करने की सोल ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।